चैनल के सनसनी आवर में आप सभी का स्वागत है। आज पूरा एक साल हो गया है राका डाकू को गिरफ्तार हुए। अगर आपको याद हो तो आज से ठीक एक साल पहले हमारे ही न्यूज चैनल में राका डाकू, जो कि जेल से भागने का एक्सपर्ट है, उसने ये दावा किया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो इन दीवारों को तोड़कर भाग निकलेगा। तो चलिए जानते हैं कि वो ऐसा करने में आखिर कामयाब क्यों नहीं हो सका। तीन पसीना अटैक। जल्दी से ऑर्डर दो सर, इस बार ये मेरा शिकार है। ओके, वन टू थ्री। भाई देखो, आज के मेरे हुए पूरे आठ। और तुम्हारा अभी तक खाता भी नहीं खुला। अरे धनिया मल, कुछ मेहनत करो, शरीर में कुछ चुस्ती लाओ। ये पुलिस की नौकरी इतनी आसान नहीं है, समझे? इतनी मुश्किल भी नहीं है सर। अब भाई लगता है वो लोग आ गए, जल्दी से पोजीशन पे पहुंचो। यहां से किसी पागल के हंसने की आवाजें आ रही थी। वो हमारे जेलर साहब हंस रहे थे। लगता है जेलर साहब ने आईना देख लिया। सर, मैं नेशनल न्यूज चैनल से। जानते हैं मैडम, हम आपके प्रोग्राम लगातार देखते रहते हैं, बहुत बड़े फैन हैं हम आपके। थैंक यू। कौन सा एपिसोड देखा आपने? मैडम जी, हम आपके एपिसोड देखते हैं, सुनते नहीं है, है ना सर? अगर आपका ये मजाक खत्म हो गया तो कुछ काम की बातें कर ले। जी बोली। सर, हमारे इस एपिसोड की ये कहानी जो है ना, वो राका डाकू पे है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस जेल में ऐसा क्या है कि राका डाकू यहाँ से अभी तक भाग ही नहीं पाया? ये सवाल आप राका से डायरेक्ट पूछ लेना। लेकिन परमिशन? परमिशन? अरे मैडम जी, परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री जी ने कहा है राका उनका खास है, और इसीलिए उसको किसी भी चीज के लिए कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? वो मंत्री जी राका के सीनियर है ना, इसीलिए। सीनियर? कॉलेज में? कॉलेज में जी नहीं, इस जेल में। जिस दिन मंत्री जी का कारावास खत्म हुआ, उस दिन राका को यहाँ लाया गया। मंत्री जी बहुत इमोशनल आदमी है। उसको बुलाओ। ये क्या था? कुछ नहीं मैडम, वो राका डायनामाइट से दीवार उड़ाने की कोशिश कर रहा होगा जेल की, बस। डायनामाइट? ये डायनामाइट जेल में कैसे पहुंच गया? वो तो हम ही ने दिया है ना मैडम जी। क्या है ना मैडम, दीवार तो टूटने वाली है नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास करते रहते। तो जेलर साहब को यकीन है कि ये दीवारें टूट नहीं सकती। इससे पहले कि हम आपको राका डाकू से मिलवाएं, हम मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने इस पूरे जेल का निर्माण किया है। सामान आ गया सारा, चेक कर लिए सर, ये पूरे हैं। देखिए कल से काम होगा इस बिल्डिंग में, काम शुरू है। और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि एक एक चीज को चेक करना, क्योंकि शुरू में अगर गलत काम हो गया फिर बिल्डिंग तोड़। एक्सक्यूज मी, मकबूल मियां जी, फरमाइए। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं श्वेता, नेशनल न्यूज चैनल से। आपसे कुछ बातें करनी थी। हैं? हमसे बातें करनी थी? मोहतरमा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हम ठहरे मामूली से कॉन्ट्रैक्टर रगड़ रगड़ के। जी बिल्कुल नहीं। जानते हैं आज की हेडलाइन न्यूज क्या है? क्या है? राका डाकू डिस्ट्रिक्ट जेल से भाग नहीं सका, लाखों कोशिशों के बावजूद भी। अरे वो मक्कार क्या भागेगा, हमने बनाई थी वो जेल आज से 20 साल पहले रगड़ रगड़ के। जी हाँ, और यही आज की बड़ी खबर। आखिर ऐसा क्या इस्तेमाल किया था आपने इतनी मजबूत जेल बनाने में? देखिए मोहतरमा, आपने बड़ा धांसु सवाल किया है। देखो, एक मजबूत इमारत बनाने में ना केवल बेहतरीन मटेरियल बल्कि सही तरीके की भी जरूरत होती है। रगड़ रगड़ के? अबे मेरा मजाक उड़ा रहा, अपने माँ बाप की ना समझी की भूल तुझे बनाने वाला तो वो फरमा भी टूट गया होगा तेरी पैदाइश के बाद, रगड़ रगड़ के, तभी तो इकलौता रह गया है। मकबूल मियां, आप हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दर्शकों को बताएंगे सबसे मजबूत इमारत बनाने का राज? अरे मोहतरमा, बताएंगे क्या, हम तो दिखाएंगे भी। क्यों भी लौंडो? हाँ। अब निकल लो इससे पहले कि निकाले जाओ रगड़ रगड़ के। अरे सुनो, वो मैडम लोगों के लिए हेलमेट वगैरह भिजवा देगा। ठीक है, निकलो 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 निकलो।
देखिए मोहतरमा, मजबूती की मिसाल बनाने में सही मटेरियल और तरीका सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मटेरियल जैसे सीमेंट, भाई ये तो आप सब लोग जानते हैं कि एक इमारत को बनाने में सीमेंट का कितना बड़ा रोल होता है ना। इसलिए सीमेंट को चुनने में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए रगड़ रगड़ के। तो कौन सा सीमेंट रेकमेंड करते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ जेके सुपर सीमेंट। अरे लंबा तजुर्बा है हमारा, है जेके सुपर सीमेंट से ना कोई टक्कर नहीं ले सकता। हाँ लिख करके ले लो रगड़ रगड़ के। यूं ही नहीं कहते हैं हम, विश्वास है इसमें कुछ खास है। ये तो बहुत लोगों को बोलते सुना, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? बेहतरीन रॉ मटेरियल, नए जमाने की टेक्नोलॉजी और सबसे बेहतर सीमेंट बनाने का तरीका, जो कि जेके सुपर सीमेंट वाले वक्त वक्त पर हम जैसे ठेकेदारों और मजदूरों को सिखाते रहते हैं। वो लीजिए मैडम, आज भी आए हुए हैं जेके सुपर सीमेंट के एक्सपर्ट। ये तो बहुत अच्छा। तभी तो। हाँ तभी तो मोहतरमा, अब हम आपको दिखाते हैं शुरू से आखिर तक इमारत बनाने का सही तरीका रगड़ रगड़ के। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मिलते हैं खूंखार डाकू राका से, जिसने 15 सालों तक देश की पुलिस को नाको चने चबवाए। आइए मैडम। ये राका? अरे नहीं मैडम, ये तो हमारे जेल का डॉक्टर है। राका तो वो रहा उधर, डायनामाइट ब्लास्ट के बाद बेहोश हो रखा बेचारा। आसमान में लाखों तारे। देख रही है मैडम, राका को दिन में भी तारे नजर आ रहे। लेकिन ये तो बेहोश है, इंटरव्यू कैसे देगा? अरे अभी इसको होश में ला देंगे डॉक्टर। लीजिए मैडम, आ गया होश में। इतनी जल्दी? ये क्या डाला था इंजेक्शन में? नहीं नहीं मैडम, इस इंजेक्शन में हमने कुछ नहीं डाला था डॉक्टर। ये इंजेक्शन का साइज देख लिया, इसका साइज देख लिया, इसे अगर पूरे फोर्स के साथ कहीं लगा दिया जाए तो कुछ केसेस में तो गड़े मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं मैडम। 100 फुट गहरी सुरंगें खोदी, कई चट्टाने तोड़ डाली, लेकिन इस दीवार में ऐसा क्या है? ये लो राका, तुम्हारी बची कुची मूछ। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। अरे अब हम इसका इंटरव्यू कैसे लेंगे? मैडम आप इसका इंटरव्यू नहीं ले सकते, देखिए ये अपना मुंह काला करके बैठा है और ये अपने होशो हवास में भी नहीं है। यू कांट टेक हिज इंटरव्यू इन दिस कंडीशन। अभी क्या है ना कि अभी हम इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, आफ्टर दैट यू कैन कम एंड टेक हिज इंटरव्यू, राइट? ये ठीक है। तो देखा आपने, इस दीवार से राका जैसे खतरनाक डाकू ने भी हार मान ली है। इससे पहले कि हम राका से कुछ बातचीत करें, मैं आपको लेकर चलती हूँ मकबूल मियां के कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहाँ पर हम समझेंगे दीवार बनाने का सही तरीका। मजबूत दीवारें बनाने के लिए हमेशा बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल चुनें। बोरियो में सीमेंट के उत्पादन का सप्ताह नंबर, महीना एवं वर्ष चेक करें। PIS मोनोग्राम, IS कोड नंबर, सीमेंट का प्रकार और ग्रेड, MRP यानी दाम और नेट वजन जरूर चेक करें। सीमेंट को इस तरह स्टोर करें कि इसमें जमीन, दीवारों या हवा से नमी ना आने पाए। हमारी सलाह है कि सीमेंट को खरीदने के बाद जल्द से जल्द इस्तेमाल करें।
अगर किसी वजह से 90 दिनों से ज्यादा बीत जाएं, तो इस्तेमाल करने से पहले उसकी मजबूती परख लें और छलने द्वारा गांठें हटा लें। एक जरूरी बात, कुछ बोरियों का वजन अनिश्चित रूप से यानी कि रैंडमली चेक कीजिए। प्रत्येक बोरी का वजन 50 किलो ही हो। सीमेंट के बैग जमीन पर इकट्ठा ना करें, और अगर आपको किसी बोरी में से कुछ ही सीमेंट चाहिए तो वजन तोलकर उतनी मात्रा निकाल लें और बोरे का मुंह बंद कर दें। ध्यान रखें कि रेत में मिट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो आप छल्ले की मदद से इसको हटा सकते हैं। छल्ले का साइज 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदाज में रेत में सिल्ट की मात्रा 5% से ज्यादा है तो इस्तेमाल करने से पहले रेत को धो लें। आपने देखा होगा कि सीमेंट के मुकाबले रेत का ढेर ज्यादा बड़ा होता है। वजह यह है कि रेत के कणों में नमी होती है, इसे तकनीकी भाषा में बल्किज कहते हैं। इस वजह से ढेर बड़ा करने के लिए रेत की 15% अधिक मात्रा मिला लेनी चाहिए। अनेक प्रकार और आकार की गिट्टी इस्तेमाल ना करें। कोणीय आकार की गिट्टी सबसे सही होती है। गिट्टी धूल और सिल्ट से मुक्त होनी चाहिए। अलग साइज की गिट्टी अलग अलग डिब्बों में भरी जानी चाहिए। 20 mm और 10 mm का अनुपात 60-40 से 70-30 का बनाने में सबसे सही परिणाम मिलता है। और हाँ, इस्तेमाल किया जाने वाला पानी साफ होना चाहिए। याद रखिए, प्रत्येक बोरी में 27 लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। रेत और रोड़ी के चिप्स को नापने के लिए फर्मे का इस्तेमाल करें। फर्मे का सबसे सही साइज 40x35x25 है। बॉक्स का आयतन सीमेंट के बोरे के बराबर ही होता है, 1.25 घन फीट। सभी मटेरियल फर्मे के बिल्कुल ऊपर तक भरे जाने चाहिए। कंक्रीट को जमीन पर मिक्स नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो इसे हाथों से मिक्स ना करें, और हाथ से मिक्स करना ही पड़े तो इसमें 10% अधिक सीमेंट मिलाएं। जब सीमेंट मिक्सर चलाना हो तो ये याद रखें कि अंदर का ड्रम और उसके ब्लेड कंक्रीट या मसाले से भरे हुए ना हो। ये ध्यान रखें कि मिक्सर में मसाला बनाते समय ड्रम को 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा ना घुमाएं। दिन का काम खत्म होने पर इसे साफ जरूर करें। कंक्रीट का मसाला एक सार होना चाहिए। कंक्रीट को बनाने के बाद उसे 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आजकल RCC के लिए कंक्रीट का कम से कम ग्रेड है M20, जिसके लिए सामान्य मिक्स अनुपात 1:1:3, यानी 1 भाग सीमेंट, 1.5 भाग रेत और 3 भाग गिट्टी होना चाहिए। RCC में दरार पड़ने के मुख्य कारण, 1. RCC में सभी सामग्रियों का सही ढंग से मिश्रण नहीं होना। 2. पानी और सीमेंट का अनुपात अधिक होना, जिससे RCC की मजबूती भी कम होती है। 3. जंग लगे लोहे के सरिये इस्तेमाल करना। 4. लोहे का सरिया सही ढंग से नहीं लगाना। 5. RCC में सही तरीके का कवर नहीं देने से सरिये में जंग लग जाना। और 6. तराई सही तरीके और सही समय से नहीं करना। कई बार विपरीत मौसम जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी या हवा भी RCC बीम या स्लैब में क्रैक्स बनाने के कारण बन जाते हैं। अब बारी है जंग की। जंग से बचाने के लिए सरिये का कवर पर्याप्त है या नहीं, इसकी भी पुष्टि कर लें। सरिया खरीदते समय सरियों की क्वालिटी, अर्थात वो जंग रहित हैं या नहीं, की जांच कर लेनी चाहिए। सरिया उपयुक्त भारतीय मानक के अनुसार होना चाहिए। यदि सरियों को अधिक समय तक बाहर या खुले में रखना हो तो उस पर सीमेंट स्लरी लगा देनी चाहिए। सरियों में टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होना चाहिए ताकि वो अधिक स्ट्रेंथ ले सके। स्लैब के लिए 20 mm, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm और फुटिंग के लिए 50 से 75 mm कवर की सलाह दी जाती है। कवर ब्लॉक के इस्तेमाल करने से सरिये को कवर मिलता है और जंग से बचाव भी होता है। सघन बनाने के लिए वाइब्रेटर का सही प्रकार से इस्तेमाल करें। नॉर्मल स्लैब के लिए सरफेस वाइब्रेटर और कॉलम और बीम के लिए
नीडल वाइब्रेटर इस्तेमाल करना चाहिए। वाइब्रेटर को एक ही जगह पे 10 से 15 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए ना रखें। तो देखा मोहतरमा, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है रगड़ रगड़ के। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि ईंटों को कैसे तैयार किया जाता है। जी जरूर। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा है एक आम दीवार और एक मजबूत दीवार के बीच का फर्क। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं, सुनते हैं कि डाकू राका का इस बारे में क्या कहना है। अरे राका की मूछें तो ब्लास्ट में उड़ गई थी, तो ये मूछें कहाँ से आई? क्या है ना मैडम, बिना मूछों के राका का कॉन्फिडेंस भी उड़ गया था, तो हमने नकली मूछें चिपका दी। बिना मूछों के कैमरे के सामने आने से शर्मा रहा था। डाकू है ना बेचारा, आप इंटरव्यू चालू कीजिए। मैं चलता हूँ। तो राका जी, आप सबसे पहले मुझे अपने पास्ट मतलब कि अतीत के बारे में बताइए। मतलब आप डाकू बनने से पहले क्या करते थे? मैडम मैं डाकू बनने से पहले सर्कस में था। मुझे लगता ही था ये चोकरा काम करते होंगे। छिपकली के अंडे से निकले गैंडे नुमा इंसान, तेरे कान के पास अगर एक ताली भी बजा दूं ना, तो 2 मिनट तक झुनझुने की तरह झन्नाता फिरेगा। बात करता है। हाँ तो मैडम, मैं डाकू बनने से पहले सर्कस में अपने इसी घूंसे से 10-10 ईंट तोड़ दिया करता। मैं नहीं मान सकता। कौन है बेटू? मैं शेर सिंह। कौन है बे? शेर सिंह। शेर सिंह। मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ तो मैडम मैं कह रहा था कि मैं सर्कस में स्टील की 4-4 प्लेटों को मैं ऐसे करके फाड़ दिया करता था और फेंक दिया करता था। मैं नहीं मान सकता। मैडम ये गधा कौन है? ये मेरा पति है। पति है। विश्वास नहीं होता। अब तुम अच्छे आगे बढ़ रहे हो। शेरू शट अप, बैठो चुपचाप। अब मान सकता हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था कि सर्कस में मैं लोहे की सलाखों को इन्हीं हाथों से मोड़ दिया करता था। ऐसा ही नहीं, 6 दिन के अंदर 8 दफा जेल तोड़कर भाग गया। लेकिन सलाखें तो यहाँ भी हैं, तो इन्हें क्यों नहीं तोड़ा? मैडम ये सलाखें तो मैं 10 सेकंड में तोड़ दूं, लेकिन अब की बार मेरे मुंह से निकल गया कि ये दीवार तोड़कर ही मैं भाग निकलूंगा। अब मैं कोई इलेक्शन में खड़ा नेता तो हूं नहीं, डाकू हूं, मेरी भी तो कोई रेपुटेशन है, जबान की इज्जत है। इज्जत है? सुबह तो यहाँ छिले छिले पड़े थे, बच्चे की तरह रो रहे थे। वो क्या है ना कि हार का सामना पहली दफा करना पड़ा। आखिर इन दीवारों में है क्या? तो चलिए इसी के साथ जानने की कोशिश करते हैं इस मजबूत दीवार के पीछे छिपे कुछ और राज। मकबूल मियां जी, आप हमें बता रहे थे कि ईंटों को तैयार करने का सही तरीका क्या है, वो रगड़ रगड़ के। रगड़ रगड़ के? देखो मोहतरमा, हमेशा एक जैसे आकार की एक जैसे पकाई हुई मजबूत ईंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, इस्तेमाल करने से पहले ईंटों को अच्छी तरह पानी में भिगो कर रखना चाहिए। अब देखिए, ईंटों को आपस में टकराने के बाद इनमें धातु की तरह झनकार की आवाज आनी चाहिए। और ये देखिए, उंगली के नाखून से रगड़ने के बाद इन पे कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा 3 से 4 फीट की ऊंचाई से फेंकने पर ईंट टूटनी नहीं चाहिए। 1:6 अनुपात वाले सीमेंट के मसाले से अच्छी तरह से सारे जोड़ भर दिए जाने चाहिए और ईंटों के आसपास मसाला लगाया जाना चाहिए। जोड़ की मोटाई 12 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चिनाई के अंदर के जोड़ कम से कम 12 mm की गहराई तक दबा देने चाहिए। प्रतिदिन ईंटों का काम 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक ना हो। ईंटों की चिनाई के बाद धूल मिट्टी या खुला मसाला ब्रश से साफ कर देना चाहिए, जैसे यहाँ हो रहा है। तैलीय या चिकनाहट से भरी सतह को
प्लास्टर करने से पहले धो लेना चाहिए। प्लास्टर की मोटाई 15 mm से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सीलिंग के लिए 1:3, बाहरी दीवारों के लिए 1:4 और अंदर की दीवारों के लिए 1:5 अनुपात में मसाला बनाना चाहिए। एक बार में उतना ही मसाला बनाएं जितना 1 से 1.5 घंटे में इस्तेमाल किया जा सके। कंक्रीट, ईंटों का काम और प्लास्टर की अच्छी तरीके से तराई की जानी चाहिए ताकि इनमें आवश्यक मजबूती और टिकाऊपन आ जाए। सीमेंट के मसाले में पानी की अधिकता के कारण प्लास्टर में दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। रेत में बारीक कण और मिट्टी की अधिक मात्रा होने के कारण भी प्लास्टर में दरारें पड़ जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, तराई सही समय और सही तरीके से नहीं करने पर कई और समस्याओं के साथ प्लास्टर में दरार पड़ने की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। इतना सब ध्यान देना पड़ता है और क्या। वाकई इन सब के बाद तो दीवारें मजबूत होंगी। और वैसे भी जब तक आप जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम इतनी लगन और ईमानदारी के साथ करते रहेंगे ना, तब तक हमारे देश की नींव मजबूत ही रहेगी। सच में आप हमारे इस प्रोग्राम के आज के हीरो हैं। हीरो? अरे नहीं मोहतरमा, हमारे लिए तो सिर्फ एक हीरो है, जेके सुपर सीमेंट। इसलिए तो कहते हैं जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात हम सब ही नहीं बल्कि राका डाकू भी अच्छे से समझ गया है। जेके सुपर वालों, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था। जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है।